खबर नसीराबाद से। नसीराबाद क्षेत्र के विख्यात भैरव राजगढ़ पर परिवार को सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन की पालना सख्ती के साथ करवाते हुए श्रद्धालुओं को 2 गज सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हाथों को सैनिटाइजर कर प्रवेश दिया गया। धाम के प्रवक्ता अविनाश सेन ने बताया कि दुनिया में तेजी से फैल रहे कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन और कोरोना की तीसरी लहर के खतरे से अब राजस्थान भी अछूता नहीं रहा है। जिन श्रद्धालुओं के पास मास्क नहीं था, उन्हें श्री मसाड़िया भैरव धाम राजगढ़ चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में निःशुल्क मास्क वितरण किया गया। तत्पश्चात श्रद्धालुओं को मास्क लगाने पर ही प्रवेश दिया गया। श्रद्धालुओं के टेम्परेचर तथा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को भी जांचा गया। शनिवार व रविवार को श्रद्धालुओं के साथ आने वाले पूर्व जाने के बाद पूरे मंदिर परिसर को सैनिटाइजर किया गया। राजगढ़ धारा के नारा स्वस्थ रहे हिंदुस्तान हमारा चंपालाल महाराज धाम के उपासक चंपालाल महाराज ने उन सभी श्रद्धालुओं को जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है, धाम पर श्रद्धालुओं के साथ व्यवस्थापक ओम प्रकाश सेन, रमेश सेन, अविनाश सेन, राहुल सेन, पदमचंद जैन, सुरेश खंडेलवाल, शंकर मिस्त्री, दीपक बसीटा, सुरेश गुजर, पुनील कमल, राम प्रसाद जागृत कमल, सोनाली रवाल आदि व्यवस्थाओं को संभालने के लिए मौजूद रहे। आज श्री मसाड़िया भैरव धाम राजगढ़ के रविवारीय मेले में श्रद्धालु की संख्या काफ़ी रही, लेकिन आज विशेष बात ये रही कि राजस्थान द्वारा जारी की गई कोरोना की गाइडलाइन का पूर्णतः पालन किया गया। सभी श्रद्धालुओं को दूर दूर बिठाया गया, 2 गज की दूरी बनाते हुए सभी को क्रमबद्ध लाइन से स्तंभ की परिक्रमा कराई और बाबा भैरवनाथ के दर्शन कराए। आज इस अवसर पर गुरुदेव श्री ने एक ही बात सभी श्रद्धालुओं के लिए कही है और वो ये है कि अगले